बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस किताब को ओवरव्यू देता पढ़ाऊँ, ये बहुत प्यारी किताब है। इसे कहते हैं शफा शरीफ। ये हुज़ूर नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गई है और ये अवलिन सीरत है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी कि इसमें कुरान और हदीस के हवालों के ज़रिए आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान की गई है, आपकी शान बयान की गई है। और ये काजी अयाज अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इनकी अपनी बड़ी फजीलत है, यानी काजी अयाज साहब जो थे ना, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये किताब की जो कीमत है पता नहीं कहाँ लिखी हुई है। बहरहाल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। ये स्टार्ट हो रही है माशाल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले उसने सना की है, फिर शान बयान की है, फिर शाहिद कमाल मरातब। अब इससे कितने, पहली फसल, दूसरी, तीसरी, आठवीं फसल, अब देख लें। ये दूसरा बाब शुरू हो गया माशाल्लाह। आपका हुलिया मुबारक, कमाल चीज़ें सरकार का लिखा गया है। आपकी शुजात, अदल, इंसाफ, तीसरा बात आपकी कदर व मंजिलत। देखना कितना ज़्यादा इसमें बाब बयान किएंगे। इस किताब को पढ़ना भी मैं समझता हूँ सादत है। पूरे मौजात भी इसमें बयान किए गए हैं, जमादात, खजूर की टहनियों का रोना, गैब की इतला, क्यामत तक बाकी रहने वाला मौजा, ठीक है जी। बेसिकली अरबी किताब है जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन की गई है और बहुत कमाल है। और इसमें कुरान के वाले हैं, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। कमाल चीज़ें। इन्नल्लाहु व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमन। माशाल्लाह, अब ये माशाल्लाह कितनी प्यारी किताब है, देखें। टोटल कुरानी वाले हैं, हदीस मुबारक हैं, जगह जगह पर वो आप सरकार की जो फजीलत है ना, काजी अयाज अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत यह है कि आपने एक जगह वजू करना था तो एक कुएं में पानी बहुत नीचे था, तो मैं एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, उसने कहा कि इतने बड़े आप वली हैं और कुएं से पानी नहीं बाहर निकाल सकते, तो उसने थूका था सिर्फ उस कुएं के अंदर, पानी उबलना शुरू हो गया था। सोचने के काजी अयाज अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो एक लड़की खड़ी थी उसकी कितनी फजीलत थी, और उसने कहा कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं और एक पानी वजू का नीचे से पानी नहीं ऊपर आ सकता। तो फिर उस आप सरकार ने हज़रत काजी अयाज अंदलुसी रहमतुल्लाह ने ये किताब लिखी थी। उसके बाद दुरूद शरीफ सबसे बड़ी इबादत है, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत प्यारी किताब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल शान है। इस किताब को पढ़ना भी सादत है, सादत। खुशकिस्मत है जिनके घर में ये किताब है। इसके तकरीबन 320 सफ़े हैं इसके, और बहुत प्यारी किताब है। अच्छा, इस पब्लिशर ने ना कागज़ अच्छा लगाया, और भी लोगों ने छापी हुई है मगर इसका कागज़ अच्छा है। अब देखिए बहुत प्यारी किताब है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला ने इसी की मिसल रवायत करते हुए बयान करते हैं कि कंकरियों ने हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हाथ में तस्बीह जारी रखी। हज़रत अली ने फरमाया, करमुल्ला वजह ने, हज़रत अली मुतज़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में थे तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किसी गोशे में तशरीफ़ ले गए तो कोई दरख्त व पहाड़ ऐसा ना था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह ना कहा हो। अभी हज़रत अली का फरमान है कि जो भी आपको देखता था आपको सलाम करता था। बहुत प्यारी किताब है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, आपका जो कुछ शान है आपकी, वो बहुत, आपकी तो अल्लाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, और ये किताब ये उस शान को बयान कर रही है। शफा शरीफ बहुत प्यारी किताब है। इसका जो पब्लिशर है वो लिखा आ रहा है, मैं भी आपको बता देता हूँ। पब्लिशर मकतबाए अल्लाह हज़रत दरबार मार्केट, ठीक है जी। और ये काजी अबू अल फजल काजी याज मालकी रहमतुल्लाह लिखी है, उसका तर्जमा किया सैयद मुफ्ती गुलाम मोहीउद्दीन नईमी साहब ने किया है। इसका मैंने तारीफ इसलिए कराया आपको, इसका कागज़ अच्छा है, छापने वाले ने अच्छे कागज़ पर छापी है। अब कीमत मैं भूल गया हूँ, बहरहाल जब अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं वो जिनसे मैंने ली थी उनसे मैं कीमत कन्फर्म कर लूँगा। वैसे मैं हल ये 1200 या 1400 के दरमियान जाएगी मेरे ख्याल में, मैं कंफर्म नहीं कह सकता।
तो आप ये किताब जो उसे खरीदना चाहते हैं, इस किताब को आप परचेज करें, बहुत प्यारी किताब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इसमें बयान की गई, इसको इसकी इस किताब की ये क्वालिटी है। अस्सलाम वालेकुम।